y'all come look at this. चलिए लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद यहाँ नीचे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए आपको मेरा बीट मार्क प्रोजेक्ट और शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्ट ऊपर में दिख रहा होगा, तो ये दो प्रोजेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लाइट मोशन ऐप में दोनों को इम्पोर्ट कर लीजिएगा। इम्पोर्ट कर लेने के बाद ये जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लीजिएगा। क्लिक करके ओपन कर लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखा देगा। मैं लास्ट तक आपको फर्स्ट दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का आपको दिखा देगा। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आ जाना है, ये ग्रीन कलर प्लस का आइकन जो दिख रहा होगा देखिए यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ कोने में क्लिक करके यहाँ अपना जो है फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस फोल्डर में आपका इमेज है। सिलेक्ट कर लेने के बाद करना क्या है, आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर कोने में 3 डॉट बिंदु दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ फिल कंपोजन एरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उतना कर देने के बाद वीडियो को लास्ट में आ जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को लास्ट तक कर देना है। उतना कर देने के बाद एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जो आपने फोटो ऐड किया उस फोटो के साइड में 3 लकीर दिख रहा है उस पर क्लिक करके रखिएगा और फोटो को कुछ इस तरह से नीचे लेके आ जाइएगा। आने के बाद देखिए आपका कुछ इस तरह से फोटो में बॉर्डर और यहाँ पर शेडो ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये देखिए अभी जो सेकंड वाला जो लेयर है इसको क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पर क्लिक करना है या नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है ऊपर में देखिए उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका लिरिक्स कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर वाला जो लेयर है ये बॉर्डर वाला इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है और इधर देखिए लास्ट तरफ एक लेयर दिख रहा है छोटा सा, देखिए ये छोटा सा लेयर ये वाला, ये तो इस लेयर पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक कर कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हो जाना है आपको बैक। बैक हो जाने के बाद दोस्त ये जो आपने फोटो एडिट किया था उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक कर पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। आपका फोटो पर इफेक्ट लग जाएगा और स्टेटस भी रेडी हो जाएगा। तो अब ये स्टेटस रेडी हो गया है तो इसको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कोने में एक एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, वीडियो लिखा हुआ साइड में एक एरो उस पर क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट स्टेटस में क्लिक करके आप अपना जितना फ़ोन आपका फ़ोन में सपोर्ट करता है क्वालिटी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अगर लो रहेगा तो इसको फुल कर दीजिएगा और ये क्वालिटी वाला लाइन जो है ये अगर लो रहेगा तो इसको भी हाई कर दीजिएगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।